कहानी अंधविश्वास का अंत। सुमित नाम का एक लड़का कॉलेज में पढ़ाई करता था। गर्मियों की छुट्टियों के समय सुमित अपने घर आया। उस समय उसका छोटा भाई अमित बहुत बीमार था, तो उसने अपनी माँ से अमित को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। उसने कहा, इससे अच्छा तुम देवी के मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा दो, अमित ठीक हो जाएगा। यह सुनकर सुमित हैरान हो गया और वह सोचने लगा, भला प्रसाद चढ़ाने से कोई कैसे ठीक हो सकता है। फिर भी माँ का मन रखने के लिए वह प्रसाद की थाली और कुछ रुपए लेकर मंदिर के लिए निकल पड़ा। वहां जाकर उसने कहा, हे देवी, मेरे भाई को ठीक कर दो। लेकिन वहां जो पंडित था उसने कहा, इतने से पैसों से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ और पैसे लाने होंगे, तभी तुम्हारा भाई ठीक होगा। यह सुनकर सुमित सोच में पड़ गया। फिर उसने पंडित जी से कहा, आप मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक डॉक्टर मिले, तो उन डॉक्टर से उन्होंने अपने भाई का हाल बताकर दवाई ले ली और घर जाकर माँ से कहा, पंडित जी ने प्रसाद के साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी दी हैं, उन दवाइयों की वजह से अमित एकदम स्वस्थ हो गया। तो उसकी माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। उसकी माँ ने कहा, देखा देवी के प्रसाद का चमत्कार। यह सुनकर सुमित ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह दवाइयाँ तो मैं डॉक्टर से लेकर आया था जिनसे अमित ठीक हुआ है। यह सब कुछ सुनकर उसकी माँ का अंधविश्वास दूर हुआ। शिक्षा, लौकिक कामनाएं तो हमें मात्र भटकाती ही हैं, वे पुण्योदय में सहज पूरी हो जाए तो अलग बात है, परंतु भक्ति जब आदि अनुष्ठान करते हुए वे पूरी हो ही जाएंगी, ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए और ना ही ऐसी मान्यता बनानी चाहिए। और इसी वीडियो के साथ आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र।